नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 6 सितंबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम कौन कौन सी खबरें देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहली खबर से कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हिजाब को लेकर। फिर हम देखेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल से संबंधित कुछ पहलुओं को। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत बांग्लादेश के संबंधों को भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अन्य फैक्ट्स देखेंगे, वह जानेंगे कि क्या वास्तव में जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण। फिर देखेंगे कि क्या होता है विंडफॉल टैक्स और किस पर लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स। फिर देखेंगे कौन बनी ब्रिटेन की पीएम और उन्होंने क्या कहा भारत को लेकर। फिर हम देखेंगे नैतिक शास्त्र के लिहाज से देखेंगे कि कर्म क्या होते हैं और कर्म के प्रकार क्या होते हैं, यानी संचित कर्म क्या होता है, प्रारब्ध कर्म क्या होता है और क्रियामान कर्म क्या होते हैं। फिर हम शरद चंद्र बोस के बारे में भी देखेंगे कि कौन थे ये जो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। फिर देखेंगे हम कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, क्या भारत की स्थिति क्या है और दुनिया की स्थिति क्या है फर्टिलिटी रेट को लेकर। फिर हम गूगल मैप को भी देखेंगे। फिर हम यूके की मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कर्म क्या होते हैं और फिर डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करेंगे। फिर हम देखेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है और किस पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। क्या कुछ भी पहनकर स्कूल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं के जो शीर्ष अदालत ने पूछा, धर्म के पालन का सबसे सबको अधिकार, लेकिन क्या स्कूल में इसे लागू कर सकते हैं। तो कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्राओं की धार्मिक परंपराओं के पालन की दलीलों पर कहा कि किसी को भी अपनी धार्मिक परंपरा के पालन का अधिकार है, लेकिन क्या स्कूल में इसे लागू कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को फैसले में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था और कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी संवैधानिकता और जन महत्व का मुद्दा बताया गया। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में जो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसी को चुनौती दी गई है। तो कर्नाटक हिजाब विवाद में शीर्ष अदालत ने नहीं मानी सुनवाई टालने की मांग और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार के आदेश से प्रभावित हो रही लड़कियों की पढ़ाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म होता है, कई जगह ड्रेस कोड होता है, गोल्फ कोर्स में ड्रेस कोड होता है, कई रेस्टोरेंट में नियम है कि आप क्या पहनकर जाएंगे, आप वहां हर तरह के कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धार्मिक स्वतंत्रता हिजाब के इस्लाम का अभिन्न हिस्सा होने का कहीं ना कहीं जो संवैधानिकता पे सवाल शामिल है। कहीं कहीं जो यह एक न्यायाधीशों ने कहा कि अनुच्छेद 143(3) के तहत जिसमें संवैधानिक महत्व के मुद्दे पर 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की सुनवाई की बात है। कहीं कहीं जो धवन थे उन्होंने कहा कि यह ड्रेस कोड का मुद्दा है, हिजाब पहन सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पर और क्या निर्णय देता है, क्योंकि अभी इस पर निर्णय नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी इसी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की अपनी बातें कह रहा है कि क्या स्कूल में इसे लागू किया जा सकता है या नहीं लागू किया जा सकता है। तो हम देखेंगे आगे आने वाले समय में कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या निर्णय देता है। मोदी और हसीना आज करेंगे शिखर वार्ता। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलेटरल जो वार्ता को 2 चरणों में मंगलवार को होगी। दोनों नेताओं के बीच बैठक में कारोबार, कनेक्टिविटी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनने की घोषणा हो सकती है। शेख हसीना के एजेंडे में तिस्ता नदी जल बंटवारा और खाद्यान्न आपूर्ति भी अहम मुद्दे होंगे। तो अभी हम इसको और आगे विस्तृत
देखेंगे। फिर देख लेते हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। कहीं का जो झारखंड की हेमंत सरकार ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भाजपा के हंगामा, प्रदर्शन और बहिष्कार के बीच विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुल 48 वोट मिले। 81 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 42 वोट की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो झारखंड के तो हेमंत सरकार थी, कहीं ना कहीं उन्हें जो खनन मामले में अयोग्य ठहराया गया था, तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहीं वापिस अपने जो विधानसभा में बहुमत साबित किया है और वापिस सरकार बनाएंगे। अब हमारी अगली खबर देखेंगे हम कि लीज ट्रस होगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन में सोमवार को प्रधानमंत्री पद के लिए मैरी एलिजाबेथ ट्रस 47 के नाम का ऐलान किया गया है। तो भारतीय मूल के जो पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी चुनाव में हराया है। किसने? लीज ने। तो जॉनसन को ब्रेक्सिट विपक्षी लेबर पार्टी को हराने के दौरान कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो कहने के जॉनसन थे और उन्हीं को हराकर ये आई है। तो जॉनसन किस आधार पर बने थे कहने के? तो उन्होंने ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन एक्सिट हुआ किससे? यूरोपियन यूनियन से। तो ट्रस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का औपचारिक अनुरोध करेगी। अब यहाँ पर कौन कर रहा है? तो कहने के एक तरह से यहाँ पर राजतंत्र भी हो भारत में, कहने के जो गणराज्य यानी हमारे राष्ट्रपति हैं और कहने के उन्हें जो है आम लोग यानी इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो महारानी एलिजाबेथ से कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नियुक्त करने का एक तरह से औपचारिक अनुरोध करेगी। और कौन सी पार्टी से बनी? तो कंजर्वेटिव पार्टी से बनी। अभी हम इनके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। जल्द ही नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेंगे आईटी मंत्रालय वैष्णव। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सोमवार को कहा कि मंत्रालय जल्द ही नया डाटा संरक्षण विधेयक पेश करेगा। उन्होंने कहा कि नए टेलीकॉम विधेयक में साइबर कानूनों में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। जो आईटी मंत्रालय ने ट्वीट किया कि हम साइबर कानूनों के पूर्ण बदलाव के साथ आ रहे हैं और बहुत जल्द हम एक नया टेलीकॉम विधेयक पेश करेंगे। हम नए डाटा संरक्षण विधेयक के साथ भी आ रहे हैं। लोगों के जीवन में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका के कारण डाटा संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है और सरकार ने व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने और अधिक व्यापक कानून लाने का यानी कि फैसला लिया है। तो अभी हम जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसका दूसरे देशों के साथ कहने की जो तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, तो इन चारों देशों के हम डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कानूनों की तुलना करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संवेदनशील पर्सनल डेटा, तो यूरोपीय संघ में कहने कहीं जो वित्तीय डेटा और पासवर्ड शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय डेटा और पासवर्ड शामिल नहीं है, कनाडा में अलग से परिभाषित नहीं है और भारत में तो वित्तीय डेटा, स्वास्थ्य डेटा शामिल है लेकिन पासवर्ड शामिल नहीं है। डेटा का स्थानीय स्टोरेज तो यूरोपीय संघ में अनिवार्य नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में अनिवार्य नहीं है, क्षेत्र विशिष्ट अनिवार्यता जैसे स्वास्थ्य डेटा के लिए कनाडा में अनिवार्य नहीं है। भारत की बात करते हैं तो संवेदनशील पर्सनल डेटा की स्थानीय कॉपी अनिवार्य, महत्वपूर्ण पर्सनल डेटा का विशिष्ट स्थानीय स्टोरेज अनिवार्य है, डेटा का सीमा पार ट्रांसफर तो अनुमति और यूरोपीय संघ में अनुमति है अगर प्राप्तकर्ता देश के पास डेटा प्रोटेक्शन के पर्याप्त स्टैंडर्ड्स हैं जो यूरोपीय आयोग द्वारा विश्लेषित हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो अनुमति है अगर प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि प्राप्तकर्ता देश के प्राइवेसी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। फिर कनाडा की बात करते हैं तो अनुमति है अगर प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी ने सुरक्षा के तुलनात्मक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल या दूसरे उपाय किए हुए। भारत की बात करते हैं तो भारत में अनुमति है कुछ डेटा के लिए अगर रेगुलेटर ने मंजूरी दी है या सरकार ने निर्दिष्ट किया है। अब देख लेते हैं कि इनको क्या छूट है। तो कहने का जो यूरोपीय संघ है उसमें सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, न्यायिक प्रक्रिया, घरेलू पत्रकारी, शोध और रोजगार उद्देश्यों के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो रक्षा और खुफिया एजेंसियों, संघीय अदालतों, राजनीतिक पार्टियों,
छोटे व्यवसायों, पत्रकारी और रोजगार उद्देश्यों के लिए। और कनाडा की बात करते हो, पूरी तरह छूट नहीं है। जैसे पत्रकारी उद्देश्यों के लिए सहमति मांगने से खास छूट मिल जाती है। अब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में संप्रभुता और एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, अपराधों को रोकने और अभियोजन, शोध और पत्रकारी उद्देश्य और सैंडबॉक्स, कहीं ना कहीं इनको छूट मिली हुई है। मतलब इन चीज़ों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सजा के प्रावधान देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन में कहीं ना कहीं 20 मिलियन यूरो तक का कहीं ना कहीं जो वित्तीय है, जुर्माना है, जेल नहीं है। और भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में कहीं के जो 15 करोड़ रुपए तक या पिछले वर्ष के विश्वव्यापी वार्षिक टर्नओवर का 4% और डी आइडेंटिफाइड पर्सनल डेटा की री आइडेंटिफिकेशन करने पर कैद अधिकतम 3 वर्ष। और कहीं के जो कनाडा में 1 लाख जो कनाडियन डॉलर तक, जिसमें जेल नहीं है। तो इस तरह से हमको देखना है दूसरे देशों के तुलनात्मक रूप से। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लिहाज से जो भारत बांग्लादेश के संबंधों में, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कहीं ना कहीं 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की पीएम है, उन दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिनमें कहीं ना कहीं कारोबार, कनेक्टिविटी, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और कहीं ना कहीं जो नदी, जो जल का जो बंटवारा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। तीस्ता नदी जल बंटवारा, खाद्यान्न आपूर्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो चर्चा होगी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कुशियारा नदी जल बंटवारे के समझौते पर भी कहीं ना कहीं हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो द्विपक्षीय कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के उपाय पर भी विचार किया जाएगा। बांग्लादेश भारतीय उत्पादों के लिए 4वां सबसे बड़ा निर्यात स्थल बन गया है। तो वर्ष 2021-22 में भारत ने $16 अरब का निर्यात पड़ोसी देश को किया था। बांग्लादेश की कुल बिजली खपत का लगभग 15% भारत से जा रहा है। बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए सिलीगुड़ी से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो मित्र देश में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए भारत ने $10 अरब देने की घोषणा भी की है। तो इस तरह से हमको देखना है कि आने वाले समय में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरह से जो कनेक्टिविटी, कारोबार, रक्षा सहयोग, खाद्यान्न श्रृंखला और जो कारोबार है उसको और बढ़ाया जा सकता है। और अभी जो 4 दिवसीय यात्रा पर आई है पीएम, उनकी क्या किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। तो भारत बांग्लादेश रिश्तों में प्रगति, तो कहीं 1965 से पहले संचालित 6 रेल मार्गों में से 5 पर संचालित फिर से शुरू होगा। बोंगला और चट्टोग्राम पोर्ट को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने का काम शुरू। भारतीय निर्यात के लिए 4वां सबसे बड़ा देश बना बांग्लादेश। पड़ोसी देशों में परियोजनाओं के लिए $10 अरब से की मदद दे रहा है भारत। तो हमें इस लिहाज से देखना है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों के, कि भारत और बांग्लादेशों में जो संबंध उनको और किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए, भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो हम एक बार अब बांग्लादेश के मैप का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बांग्लादेश का मैप हो गया। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि भारत के किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो इधर से पश्चिम बंगाल से हो गया, इधर से असम हो गया, इधर से मेघालय हो गया, इधर से त्रिपुरा हो गया, इधर से मिजोरम हो गया। तो लगभग 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कितनी किलोमीटर है, तो 4,092 किलोमीटर सीमा लगती है। दूसरा, इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही और ये नेपाल आ गया, और यहीं से कहीं ना कहीं जिस सिलीगुड़ी की बात कर रहे थे हम, तो वो यहीं आ गया है। दूसरा है कि जो मोंगला पोर्ट से वो येरा, कॉक्स बाजार, चटगांव और कहीं ना कहीं जो ये ढाका इसकी राजधानी, कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अवस्थित है। दूसरा देख लेते हैं कि इसमें कौन सी नदी आकर मिल रही थी। इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, और कहीं ना कहीं जब ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं जमुना हो जाता है, फिर आगे बढ़ती हैं तो इधर मेघना आकर मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर इनका नाम पद्मा हो जाता है। और ये माउथ ऑफ गंगा, ये कहीं ना कहीं सुंदरवन डेल्टा से यहीं पर आ गई है, जो फिर पद्मा है कहीं ना कहीं वितरिकाओं में जो अपने जल को ले जाकर कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल में गिरा देती हैं। ये कप्तई लेक जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से संबंधित है, इसके पूर्व की साइड में अवस्थित हो गई। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है उसमें जो ये रंगपुर, तो कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं इसका नाम रंगपुर का, और जो त्रिपुरा है उसको तीनों तरफ से कहीं ना कहीं इसने बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है।
मधुमती नदी कहीं ना कहीं एक तरह से जो गंगा है उसी की एक तरह से वितरिका हो गई, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश से संबंधित है और ये भारत आ गया। इधर कहीं ना कहीं म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है, जो कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमान है जिसकी अभी कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में एंटर किए थे और भारत में भी कहीं ना कहीं जो अभी चर्चा में बने हुए थे रोहिंग्या मुसलमान। और भारत और जो बांग्लादेश दोनों कहीं ना कहीं समुद्र सीजा भी साझा करते हैं, ये कॉक्स बाजार। और कहीं ना कहीं यहाँ चटगांव से होते हुए कहीं ना कहीं हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको जोड़ने की बात की जा रही, ताकि जो सिलीगुड़ी है उसका विकल्प ढूंढा जा सके। अब चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं हमारी अगली खबर पर। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमों की मांग पर केंद्र से जवाब तलब। तो अब्दुल कलाम आजाद के परपोते ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम कायदे और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उनके परपोते फिरोज बख्त ने कहीं ना कहीं जो अपनी याचिका दायर की और कहा कि भारत में 50% से ज्यादा समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट है। इसमें सरकारी नौकरियां, सहायता, सब्सिडी, मताधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, मुक्त आश्रय का अधिकार इत्यादि के लिए दो बच्चों के कानून को मानक बनाने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को जनसंख्या विस्फोट के बारे में लोगों को जागरूक करने, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम और वैक्सीन इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए कराने चाहिए। अब देख लेते जनसंख्या के मामले में अगले साल तक चीन से भी आगे होगा भारत। तो द यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 में अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ते हुए 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या दुनिया की आबादी का 17.5% है। अब हम जनसंख्या से संबंधित कुछ पहलुओं को देखेंगे। तो पहले देख लेते कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो कुल प्रजनन दर यानी TFR एक जनसंख्या की औसत संख्या है जो एक से पैदा होने वाली बच्चों की औसत संख्या यानी किसकी महिला से होने वाली जो औसत जो बच्चों की संख्या को दर्शाता है। जो अपने जीवन काल में महिला अगर पहला है कि अगर जीवन काल के दौरान सटीक वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर का अनुभव करने वाली थी। दूसरा है वह जन्म से अपने प्रजनन जीवन के अंत तक जीवित रहने वाली थी। अब देख लेते हैं कि प्रजनन क्षमता आर्थिक विकास के स्तर के साथ सह संबंध होती है। ऐतिहासिक रूप से कहीं ना कहीं जो विकसित देशों में आमतौर पर प्रजनन दर काफी कम होती है और आमतौर पर धन अधिक, शिक्षा, शहरीकरण और अन्य कारकों के साथ सह संबंध होती है। इसके विपरीत अविकसित देशों में प्रजनन दर अधिक होती है। परिवार बच्चों को अपने श्रम के लिए और बुढ़ापे में अपने माता पिता के लिए देखभाल करने वालों के रूप में चाहते हैं। गर्भ निरोधकों तक पहुंच की कमी, पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के सख्त पालन और आमतौर पर महिला शिक्षा के निम्न स्तर और महिला रोजगार की कम दरों के कारण जो प्रजनन दर है अधिक होती है। तो 2019 में दुनिया की कुल प्रजनन दर 2.4 है। तो पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अपने बच्चों पैदा करने वाले वर्षों में महिला की आयु विशिष्ट प्रजनन दर पर आधारित है, जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी की आयोग उपयोग में 15 से 44 वर्ष की आयु है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला के संभावित रूप से होने वाले बच्चों की औसत संख्या का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है। अब देख लेते हैं कि जो रिप्लेसमेंट रेट्स क्या है। तो प्रतिस्थापन प्रजनन दर कुल प्रजनन दर है जिस पर महिला जनसंख्या के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बच्चों को जन्म देती हैं, यह मानते हुए कि मृत्यु दर स्थिर रहती है और शुद्ध प्रवाह शून्य होता है। यदि प्रतिस्थापन दर कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता पर्याप्त रूप से लंबी अवधि में बनी रहती है तो प्रत्येक पीढ़ी वास्तव में खुद को बदल देगी। तो प्रतिस्थापन प्रजनन दर अधिकांश विकसित देशों उदाहरण के लिए यूके में
2.1 है के लिए प्रति महिला 2.1 जन्म है, लेकिन उच्च मृत्यु दर विशेष रूप से बाल मृत्यु दर के कारण जो अविकसित देशों में 3.5 जितनी अधिक हो सकती है। अब देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, तो कहीं ना कहीं जो लैंगिक समानता का बहुत उच्च स्तर, धार्मिकता, मूल्यों का अंतर, पीढ़ीगत संचरण, विवाह, सहवास, मात्र और सामाजिक समर्थन, ग्रामीण निवास, परिवार समर्थन, सरकारी कार्यक्रम, कम बुद्धि और खाद्य उत्पादन में वृद्धि शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रजनन क्षमता को कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण साबित निभाते हैं। अब देख लेते हैं कि जो प्रजनन क्षमता में कमी से जुड़े कारकों में बढ़ती आय, मूल्य और दृष्टिकोण परिवर्तन, शिक्षा, महिला श्रम भागीदारी, जनसंख्या नियंत्रण, आयु, गर्भ निरोधक, बच्चे पैदा करने के लिए साथी की अनिच्छा, लैंगिक समानता का निम्न स्तर और भांजपन शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ाने वाले कारकों के प्रजनन क्षमता को और ये एक तरह से कम करने वाले। किसी देश का HDI जितना कम होता है उसकी प्रजनन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। प्रति व्यक्ति GDP भी प्रजनन क्षमता के साथ विपरीत रूप से सहसंबंधित। अभी हम इसके मैप देखेंगे, एक बार इन फैक्ट्स को देख लेते हैं हम कि GDP बढ़ने के साथ जो कहीं ना कहीं जो प्रजनन क्षमता है वो कम होने लगती है। तो अब हम एक बार अब मैप्स को देखेंगे। तो यहाँ पर मैप दिखाया हुआ है इसका फर्टिलिटी रेट का 2020 के अनुसार। तो हम देख लेते हैं कि किस कंट्री की कैसी है फर्टिलिटी रेट में स्थिति। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत की स्थिति वो कितनी है, तो 2.0 से 2.2 के बीच में है। उसके बाद हम देखेंगे चाइना की स्थिति, तो चाइना की स्थिति कहीं ना कहीं 0.8 से 1 के बीच में, यानी जो फर्टिलिटी रेट है चाइना की बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो चाइना में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। और भारत की स्थिति एक तरह से आइडियल बनी हुई है, यानी जो भारत की स्थिति है वो अच्छी ठीक ठाक कंडीशन में, इसलिए भारत में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी स्थिति भी अच्छी है। अमेरिका की देखते हैं तो अमेरिका में कहीं ना कहीं 1.7 से 1.9 के बीच में बनी हुई है, यानी इसकी भी कहीं ना कहीं जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे इसकी फर्टिलिटी रेट आ गई है। किसकी? USA की। और भारत की एक तरह से आइडियल कंडीशन बनी हुई है। अब रशिया की देखते हैं तो रशिया में कहीं ना कहीं 1.4 से 1.6 के बीच में, यानी इसकी भी कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट लेवल से कहीं ना कहीं नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये देश की जो फर्टिलिटी रेट है एक तरह से चिंताजनक है। और भारत की स्थिति एक तरह से आइडियल है, इसलिए भारत को जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस तरह का रिलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी धीरे 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 नीचे आती जा रही है। और जिस तरह से जो HDI का स्तर जिस तरह से घटता जा रहा है, तो उसी तरह से कहीं ना कहीं जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं हम कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट में और जो पर कैपिटा GDP में क्या रिलेशन होता है। तो जिस तरह से इस साइड कहने के जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा जैसे जैसे इधर बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह से कहने के जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। जैसे इस तरफ दिखाया हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की कहने के जो GDP पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो उसकी कहने के जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो गई। इधर चाइना का दिखा हुआ है, ब्राजील का दिखा हुआ है, इंडिया का दिखाया हुआ, और जिस तरह से जिसकी जो पर कैपिटा GDP कम होती जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो दिखाई हुई है कि जैसे सोमालिया है, नाइजर है, तो उसकी कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा है 6.62, और इधर सबसे कम है फर्टिलिटी रेट एक तरह से जो ताइवान दिखाए हो उसकी 1.12, इधर सिंगापुर की 0.82 है। तो इस तरह से इन फैक्ट्स को हमको देखना है। अब हम टोटल फर्टिलिटी है उसको रीजन के हिसाब से देख लेते हैं, यानी जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, नॉर्थ अमेरिका, ओशनिया, यानी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है, और वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जैसे 1950-55 के आसपास, 1960-65 के आसपास जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी तो कहीं ना कहीं सबकी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आज वर्तमान में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो समय के साथ धीरे धीरे गिरती जा रही है। तो इस तरह से हमको इसका आंकड़े को भी देखना है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पे दिखाया हुआ कि वर्ल्ड हिस्टोरिकल टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 से 2000 के बीच में, तो 1950
और 65 के बीच में जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी कहीं ना कहीं 4.96 थी, जो 2015 और 20 के अनुसार जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.47 हो गई है, और जो भी 2019 के आंकड़े ये उसमें बताया गया है कि 2.4 जो ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट है। अब यहाँ कहने को जो टोटल फर्टिलिटी रेट रेट बाय रीजन, तो जो एशिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, और यूरोप की 1.6 है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप की 2.0 और नॉर्थ अमेरिका की 1.8 है। और यह भारत की दिखाई हुई है कि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं जो भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है सिग्निफिकेंटली। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कहीं ना कहीं 5.2 1971 में थी, और जो कहीं ना कहीं अभी 2018 में लगभग 2.2 पर आ गई है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे के अनुसार। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया हैज फर्दर डिक्लाइन टू 2.0 इन 2021। तो इस तरह से जो भारत में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चाइना का भी आंकड़ा दिया हुआ है, जो चाइना की जो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ चाइना की 1.15 थी 2021 में। तो चाइना ने 1979 में वन चाइना पॉलिसी लेकर आया था, जिससे कहने की जो पॉपुलेशन है उससे पॉपुलेशन प्लानिंग यानी जनसंख्या नियंत्रण किया गया था, जिससे कहने की वहाँ की जो पॉपुलेशन रेट है वो गिरने लगी थी। और अभी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी भी एक तरह से समस्या खड़ी हो गई। फिर 2015 में चाइना ने अपनी नीति को बदला और टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, और कहीं ना कहीं जो कनाडा की है तो 1.4 है क्या टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में अभी जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून लाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। उद्योग से परामर्श के बाद ही वसूला जा रहा है विंडफॉल टैक्स। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स यानी अप्रत्याशित लाभ कर लगाया जा रहा है। सरकार कर चीटें भी बढ़ाने पर भी कहीं ना कहीं योजना बना रही, जिससे कहीं ना कहीं कर आधार को बढ़ाया जा सके। भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लिए बहुत सी चीजों को फिर से कहीं ना कहीं आकार देना होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए डिजिटलीकरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो हम देख लेते हैं कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो विंडफॉल टैक्स की बात की है तो वो क्या होता है। विंडफॉल टैक्स कुछ उद्योगों के खिलाफ सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, जब आर्थिक स्थिति उन उद्योगों को औसत से अधिक लाभ का अनुभव कराने की अनुमति देती है। विंडफॉल टैक्स मुख्य रूप से लक्षित उद्योग की कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें आर्थिक अप्रत्याशित लाभ से अधिक लाभ हुआ है। अगर किसी भी कंपनी ज्यादा लाभ कमाती है तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक सामाजिक भलाई के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरण करना है। अब देख लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स किस पर लगता है। तो लॉटरी जीतना पर, कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपए लॉटरी में जीत जाता है तो उस पर रकम पर विंडफॉल टैक्स लगता है। सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम्स, जब किसी व्यक्ति के पास सामानों का सप्लाई नहीं हो रहा है और जो पहले से मौजूद सामानों को अधिक दामों में बेच रहा है तो उस पर भी विंडफॉल टैक्स लगेगा। तीसरा है मूल्य में वृद्धि, अगर किसी चीज का अचानक दाम बढ़ जाता है तो उसका भी टैक्स लगता है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब चलते हैं हम आगे। तो ट्रस्ट की अगुवाई में भारत ब्रिटेन रिश्तों में आएगी और गर्माहट। तो पीएम ने मोदी ने दी बधाई, कहा और मजबूत होगी भारत ब्रिटेन समग्र रणनीतिक साझेदारी। तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो ब्रिटेन में चुनाव हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट की जीत हुई, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो ऋषि सुनक है भारतीय मूल के, उनको हराकर जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। तो उसी के लिहाज से कहीं ना कहीं मोदी जी ने उन्हें बधाई दी है। भारत ब्रिटेन के बीच लिस ने कहा कि जो मुक्त व्यापार समझौता है उसे दीपावली तक कहने के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, जिससे कहने की एफटीए के दायरा भी कहने के बढ़ाया जाएगा, जिससे कहने के लाइफ साइंस से लेकर तकनीक कृषि जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। कहने के जो ब्रिटेन की जो सैन्य उपकरण व युद्ध सामग्री बनाने वाली कंपनियों को भारत में एक बड़े बाजार के रूप में देख रही है, जो कहने के जो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनने को तैयार है। तो इस तरह से देखा कि कहने के जो रक्षा संबंधों में भी
और मजबूत होने की उम्मीद है, तो ऐसे एक तरह से अनुमान लगाए गए हैं और कहा गया है कि जो 2+2 वार्ता भी हो सकते हैं, किसके बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में। और भारत को लेकर ट्रस्ट के विचार क्या है, तो मौजूदा वैश्विक माहौल को देखते भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना पहले के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में दुनिया की सबसे बढ़िया प्रतिभाएं और उन्हें आकर्षित करने के लिए वीजा पद्धति को कहीं ना कहीं सुधारना होगा, तो ऐसा कहीं ना कहीं विचार प्रकट किए हैं किसने, ट्रस्ट ने भारत को लेकर। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते और मजबूत होंगे। यहाँ दिखाया हुआ है कि महिला राष्ट्र प्रमुखों में नार्डिक देशों की स्थिति सबसे मजबूत। तो विश्व में 19 देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर महिला आसीन है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के देशों की स्थिति इस मामले में सबसे बेहतर है, जहाँ 5 में से 4 में महिला पीएम है और ट्रस्ट के पीएम बनने के बीच मिलिए विश्व की 10 प्रभावी महिला राष्ट्र प्रमुखों में। तो इधर फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे भारत की। तो भारत में द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और यह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और नेपाल की विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति, तो नेपाल में शासकीय कार्य प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री संभालते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख का दर्जा प्राप्त होता है। तो विद्या देवी भंडारी इस पड़ोसी देश की महिला राष्ट्रपति। और बांग्लादेश की शेख हसीना पीएम, तो शेख हसीना बांग्लादेश की सशक्त राजनीतिक हस्ती हैं, वह लंबे समय से सत्ता में है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं की राजनीतिक में कहने की जो भागीदारी है, तो उस लिहाज से हमको देखना है, यानी GS1 में जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के लिहाज से, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से, महिलाओं के बढ़ते रोल के हिसाब से इस खबर को भी देखना है। पर्दे के पीछे से क्रांतिकारियों की मदद करते थे शरद चंद्र बोस। तो कहीं ना कहीं आज ही स्वतंत्रता सेनानी और बैरिस्टर शरद चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। 1914 में इंग्लैंड से कानून की डिग्री प्राप्त कर कोलकाता हाई कोर्ट में बैरिस्टर बने और क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए उन्हें जेल से छुड़ाने का काम करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी इन्हें संरक्षण प्राप्त था। 1936 में वह बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और 1946 में केंद्र की अंतरिम सरकार में शामिल हुए और फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व भी संभाला इन्होंने। तो अब ये हमारे कहने का मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है कि किन क्रांतिकारियों ने कहने की भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, किस तरह से दिया, किस हिस्से से दिया। तो इस तरह हमको इस खबर को देखना है। अब चलते हैं अगली खबर पे। तो सेना ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन सेना को सिखाया सबक। तो कहने के जैसे हमें पता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो कहने के पाकिस्तान की जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था और इसमें सेना लाहौर तक घुसने में सफल हो गई थी। और भारत की ओर से यह युद्ध की एक तरह से आधिकारिक शुरुआत थी और संयुक्त राष्ट्र की दखल से 23 सितंबर को सीज फायर की घोषणा की गई। और यही कहने का जो ताशकंद है और कहने का जो लाल बहादुर शास्त्री की जो रहस्यमय मौत है, वो एक तरह से आज भी एक तरह से रहस्य ही बना रह गया है कि क्या वजह थी जो कहने के जो लाल बहादुर शास्त्री की जी की मृत्यु हुई थी। और इससे पहले कहने को 1962 में भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो कहने चीन ने, मतलब पाकिस्तान ने एक तरह से सोचा था कि भारत चीन से हार गया है तो एक तरह से पाकिस्तान से भी हार जाएगा। तो इसी कहने के जो नापाक हरकतें की थी उसने, एक तरह से उसकी हरकतें थी बिल्कुल ही एक तरह से घुटने के बल पर आ गई है। अब हम अगली खबर को देखेंगे। तो अब हमारी अगली खबर देखते हैं हम किससे, GS4 यानी नैतिक शास्त्र यानी इतिहास से संबंधित, उसमें किससे, कर्म से संबंधित जो विषय है। तो आचार्य विनोबा भावे, तो सत्कर्म का प्रकाश। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो मनुष्य जन्म लेता है तो संचित यानी पूर्व जन्मों के कर्म साथ लेकर आता है जिन्हें भोगना बाकी है। उनमें से कुछ कर्म तीव्र होते हैं तो कुछ मंद। तीव्र का फल तुरंत मिलता है तो मंद का देर से, और तीव्र कर्म भोगने का नाम प्रारब्ध है, मंद का अनारब्ध है। वह आपको भोगना है, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो हम कर्म करते हैं, यह नया क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर संचित और नया कर्म फिर भोगना होगा।
नया कर्म बहुत अधिक हो तो संचित यानी अनारब्ध और क्रियामन दोनों मिलकर बड़ा भी हो सकता है। परमात्मा की कृपा हुई तो अनारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, वह ज्ञान से भी नष्ट हो सकता है, पर प्रारब्ध कर्म भोग से ही नष्ट होगा। सत्व कर्म का प्रभाव सामान्यतः तारक होता है और दुष्कर्म का प्रभाव मारक, इसलिए बुरे कर्म त्याज्य हैं और उनके फल बुरे ही आते हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। हाँ, सत्कर्म की लगाम अपने हाथ में ही रखना चाहिए, नहीं तो अहंकार आसक्ति आदि होने की आशंका होती है और प्रायश्चित से कर्म बंधन नहीं छूटता। साथ में संकल्प भी होना चाहिए कि बुरा कर्म फिर कभी न हो, जो कर्म हो चुका है उसका परिणाम भी क्षमता पूर्वक भोग लेना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि संचित प्रारब्ध क्रियामन कर्म क्या होते हैं, कर्म क्या होता है। मूल रूप में कर्म को ही क्रिया कहते हैं, यानी शरीर वाणी मन से की गई क्रिया कर्म है, एवं इसी क्रिया रूपी कर्म को ध्यान में रखते हुए शास्त्र वेद गीता पुराण आदि ने कर्म अकर्म शुभ अशुभ कर्म कर्मयोग कर्मबंधन आदि की व्याख्या की है। तो हम देख लेते हैं कि जो कर्म के प्रकार कितने होते हैं, तो कर्म के तीन प्रकार होते हैं, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म होते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कर्म है उनकी पर तो पहले देखते हैं कि जो संचित कर्म वो क्या होते हैं। तो संचित का अर्थ है एकत्रित संचय या इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार संचित कर्म का अर्थ है कर्म जो एकत्रित है, संचय किए हुए कर्म या इकट्ठा किया हुआ कर्म। अतः एवं संचित कर्म अर्थात अनेक पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्मों के संचयन को संचित कर्म कहते हैं। वे अनंत हैं क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और नए नए कर्म जाकर एकत्र होते रहते हैं, यानी हमारे ही अनेक जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का संचित कर्म है। अब देख लेते हैं हम जो प्रारब्ध कर्म है वो क्या होता है। तो प्रारब्ध को दूसरे शब्दों में भाग्य कहते हैं। हमारे संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र कर्मों को जो हमें इस जन्म में भोगना है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हमारे जन्म से पहले हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में किसके घर में जन्म लेना है वो हमारे प्रारब्ध कर्म से निर्णय होता है। तो संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकालकर हमारा भाग्य निर्धारित यानी निश्चित किया जाता है, यानी हमारे ही किए गए पाप पुण्य कर्मों में से कुछ पाप पुण्यों का कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, जिसे कहने के एक तरह से प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो क्रियमाण कर्म क्या होता है। तो क्रियमाण शब्द का अर्थ है वह जो क्रिया जा रहा है यानी जो किया जा रहा है अथवा वह जो हो रहा है। इस प्रकार क्रियमाण कर्म का अर्थ है जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है। अतः एवं जो कर्म अभी वर्तमान समय में किए जा रहे हैं तो उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं, यानी वर्तमान में होने वाले प्रत्येक पाप और पुण्य कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो इस तरह से हमको देखना है कि ये तीनों कर्म क्या होते हैं। तो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि संचित, तो इस ग्राफ में दिखाया हुआ कि यह जन्म तो मोक्ष की ओर मोक्ष, और ये संचित ये जन्म से पूर्व, ये जन्म मृत्यु का चक्र, और ये कहने की जो प्रारब्ध यानी एक तरह से भोग, ये संचित जिसमें क्रियमाण जनित नवीन संचित कर्म, ये पाताल की ओर मृत्यु के उपरांत कहने के एक तरह से संचित में जो वृद्धि है, तो एक तरह से पोटली दिखाई हुई जिसे अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है, और ये कहने के एक तरह से जो ये धनुषधर है तो इसके कहने के जो तीरों की जो टोकरी है उसमें कहने के संचित कर्म को दिखाया हुआ है, और ये जो धनुष जो छोड़ने की प्रक्रिया में, तो इसको कहने के एक तरह से क्रियमाण कर्म यानी अभी जो हो रहा है, और कहने के अगर तीर निकल चुका है तो कहने के उसे प्रारब्ध कर्म दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम ग्राफ से समझने की प्रयास कर रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है। अब हम जो ब्रिटेन है उसके मैप का एनालिसिस कर लेते हैं। तो कहने के जो ब्रिटेन किसको बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन कहने के जो स्कॉटलैंड है इंग्लैंड है और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो यूके किसको बोला जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो कहने के जो ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्थ आयरलैंड को मिला लिया जाता है तो उसे कहने के यूके बोला जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। और ये कहने के जो
प्राइम मेरिडियन है यानी 0 डिग्री देशांतर, तो कहीं ना कहीं जो लंदन है इसके पास में अवस्थित है, और यहीं से कहीं ना कहीं जो टेम्स नदी वो निकल रही है, ये ऑक्सफर्ड, ये थॉमस, ये पोर्ट्समाउथ, ये डोवर, ये इंग्लिश चैनल, तो कहीं ना कहीं इसके दक्षिण में अवस्थित है। किसके? यूके के दक्षिण में क्या अवस्थित है? तो इंग्लिश चैनल। इसके पश्चिम में, तो कहीं ना कहीं पश्चिम में आयरिश सी, सेल्टिक सी, और पश्चिम में इधर अटलांटिक ओशन आ गया। इसके पूर्व में नॉर्थ सी आ गया, और कहीं ना कहीं ये स्कॉटलैंड, जहाँ COP26 के भी बैठक हुई थी पूर्व में, तो ये ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के अंदर आ गया। इधर हाईलैंड्स, और ये पेनिन्स कहने के जो इसकी माउंटेन्स है, ये लिवरपूल, ये वॉल्स आ गया। इधर प्लेमाउथ, ये बर्मिंगम, जहां पे कहने के जो कॉमनवेल्थ हुए थे, ये लिड्स, और ये बेलफास्ट नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी, कहीं ना कहीं ये डुबलिन, ये आयरलैंड की जो डुबलिन इसकी राजधानी हो गई, ये आइसलोप मैन। अब हम इसके गूगल मैप को देखने का प्रयास करते हैं। अब हमें भारत से कहने के ब्रिटेन जाना है, तो अब हम कौन सा रूट पकड़ेंगे? तो हमें सी रूट लेके चलना है, तो हम भारत से चलते हैं। तो भारत से कहीं ना कहीं अरब सागर से होते, गल्फ ऑफ अडन से होते हुए, कहीं ना कहीं जो रेड सी से होते हुए, कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए, तो सी ऑफ क्रेटे से होते हुए, कहीं ना कहीं आयोनियन सी यानी सब मेडिटेरियन सी के ही एक तरह से पार्ट से मान सकते हैं हम, और कहीं ना कहीं जो यहाँ जिब्राल्टर से होते हुए कहीं ना कहीं हम बे ऑफ बिस्के, और बे ऑफ बिस्के से कहीं ना कहीं एक तरह से इंग्लिश चैनल, और कहीं ना कहीं ये हम जो लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है वहां पर पहुंच गए हैं। ये इधर नॉर्थ सी आ गया कहीं ना कहीं इसके पूर्व की साइड, और इधर पश्चिम की साइड एक तरह से ये आयरिश सी, और इधर आयरलैंड, ये नॉर्थ आयरलैंड हो गया, ये मैनचेस्टर, ये लिड्स, ये शेफील्ड, ये बर्मिंगम, लंदन, नॉर्विच, ये ग्लासगो, ये एडिनबर्ग, इसकी लोकेशन कहाँ आ गई? तो कहने के पश्चिम की साइड आ गई है, और यहीं से कहने जो प्राइम मेरिडियन है वो होकर गुजर रही है, तो इसके इस साइड प्राइम मेरिडियन की इस साइड को कहने के हम पश्चिम बोलते हैं एक तरह से, और इस साइड के हिस्से को पूर्व की साइड। इधर आइसलैंड, ये ऊपर ग्रीनलैंड आ गया, इधर नॉर्वे आ गया है, और ये इंग्लिश चैनल हो गया यहाँ पर, ये डोवर, और ये फ्रांस का एक शहर है जो कहने की इंग्लिश चैनल कहने की इन दोनों को अलग कर रहा है। अब बांग्लादेश के मैप को देख लेते एक बार, तो ये बांग्लादेश का मैप हो गया। तो ये कहीं की ऊपर से आ रही है, ये तीस्ता नदी हो गई, जो कहीं कहीं सिक्किम से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहीं की बांग्लादेश में एंटर करी, और उसमें ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल रही है। ये ऊपर पूरा पूरा हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, जो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाया हुआ है, ये ऊपर सफेद सफेद यानी जो बर्फ से ढका हुआ है, और ये जो बांग्लादेश है पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैदानी वाला क्षेत्र आ गया है। क्यों, कौन सी नदियों का मैदान है? तो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, और दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा कहाँ जाके मिल रही? तो बांग्लादेश में जाकर मिल रही है एक तरह से। और ये इसकी सीमा है कहीं ना कहीं इधर म्यांमार से भी लग रही है, किसकी? बांग्लादेश की। कौन से राज्यों से लग रही है हमारे? तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से असम हो गया, ये मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया, यानी 5 राज्य हो गए। और यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से जो ये पर्वत श्रृंखला गई यानी हिमालय का ही विस्तारित रूप है एक तरह से, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर अंडमान निकोबार है उसमें जाकर निकलती है ये। इसकी राजधानी ढाका, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अवस्थित है एक तरह से, ये सुंदरबन, ये गंगास डेल्टास, ये कॉक्स बाजार, या कहने के रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है,
और कहीं ना कहीं यहीं से इस सिलीगुड़ी का विकल्प भी तलाशा जा रहा है। ये सिलीगुड़ी ताकि कहीं ना कहीं समुद्र के रास्ते कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश से होते हुए कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बनाई जा सके, ताकि कभी भी जो सामरिक स्थिति या युद्ध की स्थिति में हमें सिलीगुड़ी पर निर्भर ना रहना पड़े। कहीं ना कहीं हमें पता है कि ऊपर कहीं ना कहीं चीन अवस्थित है, कहीं ना कहीं जो यहाँ डोकलाम तक भी कहीं ना कहीं एक तरह से पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मार्ग है एक तरह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का सिर्फ जो स्थल मार्ग के थ्रू कहीं ना कहीं यही रास्ता है। हमें बांग्लादेश के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंचा जा सके, हम सिलीगुड़ी के ऊपर ही निर्भर ना रह सकें। हमें बांग्लादेश के यहाँ से भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, नदियों के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो हमारा जो विश्लेषण आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।